दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। दोस्तों एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुकी होगी कि हम किस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिए कि इस एप्लीकेशन के जरिए से मुझे यहाँ पर कितने की अप्रूवल मिली है वो अभी हम लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ आपको बताने वाले हैं कितने की अप्रूवल मिली है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक लोचा आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। लोचा क्या है, क्या है इनके टर्म्स कंडीशन और यहाँ पर पर्टिकुलर किन को लोन मिलेगा, क्या आपकी सिविल स्कोर होने वाली है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले। बस वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। एप्लीकेशन को अपने हमने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है और मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर लोन भी अप्लाई कर दिया था। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में मेरे नाम से ये प्रोफाइल है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से लेंड क्लब का, और यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट प्रोफाइल जिसमें कि अप्रूवल अमाउंट हमें मिला है भाई 22,500 रुपये, जिसे यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा भाई इंस्टेंट आपका लोन जो होगा 2 घंटे के अंदर में डिसबर्स हो जाता है और 100% ऑनलाइन प्रोसेस ही होते हैं। ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी तक मिलियन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर चुका है जिस तरह से यहाँ पर बताया गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया भाई कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पर देखने को मिलेगा कि असाइनमेंट फी के नाम पर आपसे यहाँ पर दोस्तों 199 रुपये चार्ज किया जा रहा है। वो भी किस लिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और अदर वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज़ें वो सब चीज़ों के लिए यहाँ पर दोस्तों चार्जेस लिया जा रहा है, जो कि आपको 199 रुपये यहाँ पर चार्ज करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर ये पैसा देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि 22,500 रुपये का लोन है, ठीक है, अप्रूवल मिली है, जो कि ये फाइनल अप्रूवल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पर दोस्तों ये जनरेट करने वाले हैं और यहाँ पर अदर वेरिफिकेशन के नाम पर 199 रुपये यहाँ पर चार्ज करने वाली है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ इंस्टा मनी कैश लोन के बारे में, जिसके अंदर हमें यहाँ पर 22,500 रुपये के फिलहाल अभी मिली है आधार पैन की डिटेल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने के आधार पर यहाँ पर 199 रुपये यहाँ पर दोस्तों चार्ज करने वाली, तो ये बताना काफ़ी ज़रूरी था भाई एप्लीकेशन इस तरह से चार्जेस दे रही है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया कि भाई क्यों चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एक कंप्लीट होता है आपको एक बार फिर से यहाँ पर फाइनल अप्रूवल मिलेगा 5 मिनट के अंदर में ही, जैसे आप इनको ये पेमेंट करते हैं असाइनमेंट फी के नाम पर 199 रुपये जो चार्ज कर रही है। अप्रूवल एक बार आपको जब मिल जाएगा तो 2 घंटे के अंदर में आपका लोन अमाउंट डिस्बर्स भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप 199 रुपये चार्ज कर रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल फी होगा। ध्यान रखिएगा एक बार आप पेमेंट कर दिए तो जरूरी नहीं है कि आपका सिविल बढ़िया होगा, जरूरी नहीं है कि आप जो एप्लीकेशन डिटेल दिए हैं वो आपका अप्रूव हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप जो डिटेल यहाँ पर दिए हैं आपको एलिजिबल किसी भी लोन अमाउंट के लिए मिल जाएगा। बात को पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि 199 रुपीज़ यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन चार्ज कर रही है आपके क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और अदर वेरिफिकेशन के नाम पर दोस्तों आपसे पैसे चार्ज कर रही है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर दोस्तों मन में ये भी सवाल चलता है, बहुत सारे रेटिंग रिव्यू आपको देखने को मिलेगा तो पता चलता है कि एप्लीकेशन ये चार्जेस तो लेती है लेकिन किसी किसी को लोन प्रोवाइड कराती है चार्जेस लेने के बावजूद भी, जिनका सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ सही होता है तब, और जिनका सही नहीं होता है पैसा चला जाता है और उनको अप्रूवल भी नहीं मिलती है, तो वैसे लोग भी कमेंट यहाँ पर दोस्तों करते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पे दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं ताकि पता चले कि एप्लीकेशन ये किस तरह से काम करती है। तो पहले आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन एक जेन्युइन तरीके से काम करती है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या फिर यहाँ पर समझिए कि क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सिविल जांच करने के आधार पर आपसे 199 रुपीज़ यहाँ पर दोस्तों चार्ज करने वाली है। अब ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपके ऊपर लोन लेना और लोन देना वाला काम, ठीक है। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि मेरा सारा सही सब कुछ डिटेल है, मेरी सिविल स्कोर 700 से ऊपर है, सब कुछ साफ सुथरा अकाउंट है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूँगा क्योंकि इस एप्लीकेशन के अलावा ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ की आपको किसी तरह का कोई एडवांस फीस चार्ज नहीं करती हो। मैं बार बार हर एक एप्लीकेशन का जब रिव्यू करता हूं तो मैं बताता हूं कि कोई भी एप्लीकेशन आपसे एडवांस पैसे चार्ज करती है तो वहां पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पेमेंट फंस सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं। हालांकि एप्लीकेशन है जेन्युइन है, RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। आप एप्लीकेशन के जब पहले आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो चीज़ आपको पता चलेगा कि एक NBFC कंपनी के जरिए से ही दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस पीयर टू पीयर दोस्तों ये एप्लीकेशन ये काम करती है। NBFC फॉर्म है, RBI रजिस्टर्ड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से दोस्तों ये एप्लीकेशन ये काम करती है। आप लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है भाई आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो मैं फिलहाल आपको यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर पेमेंट मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन 22,500 रुपये का अप्रूवल मिली है, लेकिन ये फाइनल अप्रूवल नहीं बोल सकते। जैसे 199 रुपये यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे तो ये हमसे पैसा चार्ज करेंगे, उसके बाद प्रोफाइल चेक किया जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तब आपको अप्रूवल मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा जो गया सो गया। ठीक है, ये चीज बताने के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। हालांकि ये NBFC कंपनी के जरिए से ही दोस्तों ये लोन आपको प्रोवाइड कराती है, वो भी हम बता देते हैं किस NBFC के जरिए से दोस्तों यहाँ पर लोन आपको यहाँ पर मिलता है। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 22,500 रुपये की लिमिट है। माई लोन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोन कितने बार यहाँ पर रिजेक्ट भी हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं 10,000 रुपये के लिए अप्लाई किया गया था, रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये लोन कैंसिल हो चुका है, कई बार मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था ये रिजेक्ट हो चुका था। लास्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ये जो है अभी अकाउंट ये ओपन है, जैसा कि देख सकते हैं 22,500 रुपये के लिए। लेकिन इस बार क्या है यहाँ पर दोस्तों लिया जा रहा है पैसे 199 रुपये ऐसे। ठीक है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर दोस्तों ये चार्जेस ले रही है। इनके प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पर जाएंगे तो चीज़ें आपको सारा चीज़ पता चलेगा कि भाई ये कैसे कैसे ये लोन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। इनके NBFC के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि ये एप्लीकेशन का नाम है InstaMoney, और InstaMoney जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं InstaMoney इज पावर बाय द लेन देन क्लब। ठीक है, लेन देन क्लब की तरफ से दोस्तों ये एप्लीकेशन चल रहा है और ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म के मदद से दोस्तों ये ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते इनोफिन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से दोस्तों ये लोन आपको प्रोवाइड करा रही है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप सिटीज में दोस्तों ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं ये काम करती है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया है मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा दिए गए सिटी से बिलोंग करते हैं होंगे तो ही आप यहाँ पर लोन अप्लाई करेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन आपके यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट हो जाने वाली है। तो काफी चीज आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आने के बाद पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर 199 रुपीज चार्ज कर देना पड़ेगा, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगी तो आपको यहाँ पर जो भी आपने पेमेंट किया वो पेमेंट वापस नहीं आएगा, क्योंकि नॉन रिफंडेबल होता है। किसी किसी को लोन यहाँ पर मिल जाता है अगर सारा चीज डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर रहता है। तो अब आपको समझना है लोन अप्लाई करना है या फिर नहीं करना, मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों जाते जाते आपको ये भी बता दें इन एप्लीकेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जैसे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है कॉलेज स्टूडेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कॉलेज आईडी कार्ड के प्रूफ पर आप लोन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, वो भी बड़ा लोन ले सकते हैं, EMI में लोन की चुकता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ आपके लिए बेनिफिशियरी होगा कि भाई आप वहाँ पर लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे अगर आप वो वीडियो देखते हैं और पता चलता है कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर होती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।